नोल प्लाट थाना रावी पुलिस की कार्रवाई। नोल प्लाट थाना रावी पुलिस ने असलाह की नुमाइश करने वाला मुलजिम रजवान अशरफ गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर दिया। नोल प्लाट मुलजिम से 23 बोर पिस्टल और 3 अदद गोलियां बरामद। नोल प्लाट अपने इलाका में असलाह की नुमाइश करके खौफ राज फैलाने वाले नासिर के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। और मियां चन्नू असिस्टेंट कमिश्नर जशान नदीम की जेर सदारत गंदम खरीदारी के सिलसिला में इजलास एसी ऑफिस में हुआ। गंदम की खरीदारी पास्को करेगा। पास्को के पास गंदम खरीदारी का टारगेट 1,00,000 मेट्रिक टन है। महकमा पास्को तहसील मियां चन्नू में गंदम की खरीदारी के दौरान शफाकियत को यकीनी बनाए। गंदम की खरीदारी के लिए तहसील में 15 सेंटर्स कायम किए गए। काश्तकारों को 13 अप्रैल से बारदाना की फराहमी शुरू कर दी जाएगी। असिस्टेंट कमिश्नर मियां चन्नू ने कहा कोरोना वायरस से बचाव का वाहद हल समाजी दूरी है। एहतियाती तदाबीर पर अमल करके हम खुद अपने बच्चों को इस मोहलिक वायरस से बचा सकते हैं। इंतजामिया अपने हिस्से की जिम्मेदारियां पूरी कर रही है, अब ये शहरियों का भी फरीजा है। हुकूमत की तरफ से दी गई हदायत पर सख्ती से अमल दरामद करें। मसीही बरादरी त्योहारों के दौरान चर्चेज में कम से कम अफराद की शिरकत को यकीनी बनाए। कम अफराद की शिरकत यकीनी बनाने के सिलसिला में पास्टर्स पादरी और मसीही बरादरी की सरकर्दा शख्सियत से खिताब करते हुए कही गयी। और मियां चन्नू असिस्टेंट कमिश्नर ने डीएस और आर्मी अफसरान के हमरा गवर्नमेंट एमसी मॉडल हाई स्कूल में एहसास कफालत प्रोग्राम के तहत कायम क्वार्टर का दौरा किया। एहसास कफालत प्रोग्राम के तहत खवातीन को माली इमदाद की फराहमी का कल से आगाज कर दिया। इमदाद की फराहमी के लिए तहसील मियां चन्नू में टोटल 16 प्वाइंट्स कायम कर दिए। मियां चन्नू सिटी में गवर्नमेंट एमसी मॉडल हाई स्कूल में 10 सेंटर जबकि इतलम्बा सिटी गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल में 5 सेंटर कायम कर दिए गए। पहले मरहले में बेंजीन इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के मुस्तफीद होने वाले 11,000 खवातीन को 12,000 फीकस इमदाद की जाएगी। खानेवान नुनारी मोड़ चेयरमैन ज़कात कमेटी नसीम रफचीमा जिले आला फंड से यतीम और बेवाओं का माल खाने में सबकत ले गए। यूनियन नंबर और ज़कात कमेटी के मेम्बरान बेवाओं औरतों और यतीमों को 9,000 रकम से 3,000 न देने पर ज़कात अकाउंट बंद करने की धमकियां देने लगे। टेलीनार दफ्तर है। हाँ जी, टेलीनार फ्रेंचाइज पे बैठे हूँ। अच्छा, 3 दिन पहले से गया हूँ, नाखे पे नेटवर्क प्रॉब्लम आ गई है। जी जी, नहीं निकल सकते। अच्छा, तो मैं कि चलो ठीक है, फिर ऐसे जब तीसरे दिन बैठे हूँ ना तो चीम में तो फोन आए चीम। हाँ जी, हाँ जी, उन्होंने दी कॉल आई, उन्होंने आखिया भाई कुछ ना पैसे कटवा लें। जी, ऐसा आखिर नहीं, हजे कोई नहीं कटवाए थे, वो कहने पहले भाई नेटवर्क प्रॉब्लम है पे। अच्छा, तो फिर उन्होंने सानू आखिया भाई तुसा ना 3,000 रुपया ओदे विचों ना वाजिद नु देना। वाजिद जेड़ा है, वाजिद कौन होंदा है? वाजिद मेंबर है जेड़ा, ये ज़कात कमेटी दा मेंबर है वो भी। हां जी, मेंबर है। अच्छा, 3,000 ओनु देवना है? हां, ओनु देवना है भाई। असा मैं आगा 2-3 औरतां होर ऐड कीती इन विच। यानी कि ओना नु देवना है। हां जी, 3,000 ते उन्ने आखिया भाई तुसा 3,000 पे सानू देना। फिर तू दित्ता के कोई ना? नहीं, हजे तक ते कोई नहीं दित्ता। फोन आया ही उन्ना दा ते उन्ना सानू आखिया इंसानियत और सलूक शहरी के साथ बर्बरियत की इंतहा कर दी। बास शख्स को खुश करने के लिए शहरी को सरकारी गाड़ी से बांधकर घसीटते रहे। और माहिभीनी में सीआईए अहलकार बगैर जुर्म बताए मोहम्मद हसनैन को गाड़ी से बांध कर ले गए। खानेवाल के इलाके के लोगों की मजामत पर सीआईए अहलकार शहरी को छोड़कर फरार, एक फ्रॉड केस में गिरफ्तार करने गए थे। अभी आपको लिए चलते हैं रनाला खोर, जहां असिस्टेंट कमिश्नर रनाला खोर जोह शाकिर कोरोना वायरस के हवाले से खसूसी पैगाम दे रहे हैं, आइए सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जोहा शाकिर है, मैं असिस्टेंट कमिश्नर रनाला हूँ। तो आप सब रनाला की आवाम से गुजारिश है कि आजकल क्योंकि कोरोना वायरस एक वबा फैली हुई है, तो बेहतर है कि आप सारे के सारे अपने घर में रहें। सेक्शन 144 भी इम्प्लीमेंट हो रहा है, तो जितने भी हमारे यहाँ पर आवाम है, बूढ़े बुजुर्ग बच्चे, सारे अपने घर में रहें। अपने घर में कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ ढूंढ लें जिससे आप बिजी रहें, बाहर ना निकलें, क्योंकि ये वबा ऐसी है कि जो बाहर जाएगा उसी को ही लगेगी। अगर आप घर में रहेंगे, महफूज रहेंगे, तो अब ख़ास तौर पे जो हमारे बुज़ुर्ग हजरात हैं उनको चाहिए कि भरपूर जो है अपनी सेहत का ख्याल रखें, खुराक ऐसी खाएं जिससे उनको ताकत मिले, देसी चीज़ें खाएं और घर में रहें। इसके अलावा जो है आप सबसे जो हमारे दुकानदार हजरात हैं उनसे इल्तमास है कि 5 बजे जो है अपनी दुकानें वो बंद करें, ताकि मुझे खुद जाकर जो है बंद ना करना पड़े।
और मुझे उम्मीद है कि मेरी आवाम यहाँ पर रनाला की जो है वो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं उनका भरपूर रिस्पेक्ट करती है और उनको इम्प्लीमेंट करने में मेरी मदद करेगी। शुक्रिया। ओकाड़ा नवाही गांव 3312 में कत्ल का वाकया। नामालूम मुलजमान मंशा नामी शख्स को कत्ल करके फरार होने में कामयाब। थाना शाहबौर पुलिस मौका पर पहुंच गई, तहकीकात जारी। मंशा को सर में लोहे के रॉड मारकर कत्ल किया गया। फोरेंसिक टीम शवाहद इकट्ठे कर रही। बाद हजार लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया जाएगा। ओकाड़ा डीपीओ उमर सईद मलिक की हिदायत पर थाना रावी पुलिस की कार्रवाइयां जारी। असलाह की नुमाइश करने वाले 3 मुलजिम गिरफ्तार। गिरफ्तार मुलजमान के कब्जा से नाजायज असलाह गोलियां बरामद कर ली गयी। गिरफ्तार मुलजमान में महबूब हसन अदनान और शाह बहराम शामिल। मुलजमान के खिलाफ असलाह की नुमाइश करने का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। कानूनी शिकर नासर से कोई रायत नहीं बरती जाएगी। मियां चंद असिस्टेंट कमिश्नर का वफाक और पंजाब की हुकूमत की तरफ से सास कफालत इमरजेंसी इमदादी प्रोग्राम के पॉइंट। गवर्नमेंट एमसी हाई मॉडल स्कूल का दौरा। असिस्टेंट कमिश्नर ने खवातीन में इमदाद देने के काउंटर प्रोसेस को चेक किया। असिस्टेंट कमिश्नर कैंप इंचार्ज को सख्ती से हिदायत की इमदाद देने के प्रोसेस को इंतहाई अच्छा बनाया जाए। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर ने गुफ्तगू करते हुए कहा कोरोना से डरना नहीं। कमिश्नर ने कहा पहले मरहले में बेसिक इनकम सपोर्ट पर पहले से रजिस्टर्ड खवातीन में इमदाद तकसीम की जाएगी।